रहा हूँ, एक मिनट सर, अलग अलग एक मिनट एक बिजनौर एसपी संजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे अभियान में बिजनौर पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ दिया है, जो कि चुनाव में अलग अलग जगह पर सप्लाई किया जा रहा था। यह फैक्ट्री बिजनौर थाना क्षेत्र के बेगवाला इलाके में खेत के अंदर पकड़े जाने का बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपना नाम रमून और फरमान बताया है। इनके पास से बड़ी संख्या में तमंचे, कारतूस और तमाम उपकरण बरामद हुआ है। साथ ही उनको संबंधित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। और पुलिस के इस सराहनीय कार्य से खुश होकर बिजनौर एसपी ने 2500 रुपए का पुरस्कार दिया है। कोतवाली शहर पुलिस टीम ने दो अभियुक्त समून और फरमान को अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करते हुए पकड़ा है। ये दोनों बुरहानुद्दीनपुर गांव चौकी क्षेत्र बेगावाला में इशरार के खेत में शस्त्र बनाते थे। इनके पास से 5 12 बोर के तमंचे, 1 315 बोर का तमंचा, कारतूस, 3 अधवने तमंचे और शस्त्र बनाने की तमाम फैक्ट्री का सामान बरामद हुआ है। मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई करी जा रही है, इनको जेल भेजा जा रहा है। इनका पुराना भी आपराधिक रिकॉर्ड है। थाना पुलिस टीम की इस सराहनीय कार्य के लिए उनको 2500 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। और ये टॉप 10 अपराधी जनपद बिजनौर के हैं, उनमें से इनका नाम शुमार है। ये जो फैक्ट्री जो पकड़ी गई है, इसमें चुनाव में कुछ फर्क पड़ सकता था, ये क्या रणनीति थी? पूछताछ में बताया है कि ये जो तमंचे अभी तैयार कर रहे थे, चुनाव में ही बांटने के लिए, बेचने के लिए ये तैयारी कर रहे थे। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।